हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज भटनागर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन कैटेनरी की, सामान्य कैटेनरी की। कैटेनरी से रिलेटेड सारे बेसिक्स और फॉर्मूले हम अपने पिछले वीडियो के अंदर प्रूफ करके देख चुके हैं और आज उन्हीं सभी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमको दिया हुआ है एक 90 सेंटीमीटर लंबी और भारी 90 सेमी भारी एक समान रस्सी किसी विभिन्न ऊंचाइयों की दो चिकनी खूंटियों पर लटकी हुई है। ऊर्ध्वाधर लटकने वाले भागों की लंबाइयां 30 और 33 सेंटीमीटर है। सिद्ध करो कि कैटेनरी का शीर्ष कुल रस्सी को 4:5 के अनुपात में विभाजित करता है तथा खूंटियों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है हमारे पास, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जो भी कंडीशन हमको प्रश्न के अंदर दे रखी है उससे पहले हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम से हमको इजीली मालूम चल जाएगा कि क्या करना है। तो 90 सेंटीमीटर एक रस्सी को, 90 सेंटीमीटर लंबी एक रस्सी को दो चिकनी खूंटियों के ऊपर हमें लटकाना है और लटके हुए भागों की ऊंचाई 30 सेमी और 33 सेमी है। चलिए देखते हैं इसका डायग्राम बना के। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये रेड मार्क से जो है ये दो खूंटियां हैं, इनको हम ए और बी दो खूंटियों का नाम दे देते हैं जो प्रश्न में हमको दिया हुआ है। साथ में हम ये मान लेते हैं कि जो ए का कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। यहाँ पर ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु O है, यहाँ पर ये x अक्ष हो गया। तो अब ए और बी दो खूंटियों के ऊपर से इस तरीके से ये एक रस्सी लटका दी गई है जिसका यहाँ पर निम्नतम बिंदु C है। तो ये कैटेनरी हो गया। अब प्रश्न में दे रखा है कि जो टोटल रस्सी की लंबाई है वो तो 90 सेंटीमीटर है लेकिन ये खूंटियों के नीचे जो भाग लटके हुए हैं उनकी लंबाइयां 30 तथा 33 सेंटीमीटर है। यानी ये जो लंबाई है ये 30 हो जाएगी 33 सेंटीमीटर और यहां पर ये हो जाएगी 33 सेंटीमीटर। लंबाई के हिसाब से ये हो जाएगी। यहां पर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं M और यहां पर मान लेते हैं N बिंदु। तो ये हमारा जो डायग्राम है प्रश्न का वो कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको करना क्या है कि ऊर्ध्वाधर लटके हुए भागों की लंबाइयां तो 30 और 33 है। सिद्ध करो कि कैटेनरी का शीर्ष, तो ये जो C बिंदु है ये कैटेनरी का शीर्ष है, ये कुल रस्सी को 4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी M से लेकर B से होते हुए C तक आएंगे तो ये कैटेनरी का इधर का दायां बायां भाग हो गया और N से होते हुए खूंटी A के ऊपर से जब हम C बिंदु तक आएंगे तो ये कैटेनरी का दायां भाग हो गया। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के जो भाग हैं वो 4:5 के अनुपात में आने चाहिए। एक तो हमको ये प्रूफ करना है और दूसरा हमको डिस्टेंस ज्ञात करनी है खूंटियों के बीच की, जो दोनों खूंटियां लगी हुई है उनके बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए यहां पर जो दूरी है, दूरी भी दो तरीके से निकलेगी। एक तो क्षैतिज दूरी, यानी ए और बी के बीच में एक्स अक्ष के अनुदिश दूरी यानी क्षैतिज दूरी, और एक निकलेगी ऊर्ध्वाधर दूरी। क्योंकि देखिए ए ऊपर है, बी का स्तर थोड़ा नीचे है, तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ऊर्ध्वाधर दूरी और क्षैतिज दूरी निकलेगी और अनुपात निकलेगा। चलिए यहां पर हम ये मान लेते हैं कि ए से लेकर के सी तक जो चाप बन रहा है उसकी लंबाई S1, इधर हम S1 ले लेते हैं इसको, और इधर के चाप की लंबाई को हम S2 ले लेते हैं। तो अब देखिए यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास जो टोटल डोरी या रस्सी की जो लंबाई है वो तो 90 सेंटीमीटर है, तो 90 सेंटीमीटर में से जो ये भाग हमको मालूम है लटके हुए 30 सेंटीमीटर और 33 सेंटीमीटर, अगर ये हम माइनस कर देंगे
तो ये ए से लेकर के सी से होते हुए बी बिंदु तक जो दोनों चापों की लंबाई है यानी एस वन प्लस एस टू ये हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए पहले हम यही करते हैं। देखिए माना ए सी एवं बी सी चाप की लंबाई जो हमने मानी है S1 और S2 वो मान लेंगे चाप की लंबाई S1 और S2 है तथा A इक्वल टू X1 Y1 और B इक्वल टू X2 Y2 हमने यहां पर ले लिया है। तो देखिए रस्सी की कुल लंबाई यहां पर हम ले लेंगे रस्सी की कुल लंबाई। अब रस्सी की कुल लंबाई हमें मालूम है 90 सेंटीमीटर दे रखी है प्रश्न में। अब 90 सेंटीमीटर के जो यहां पर डिवाइडेशन है वो देखिए सबसे पहले आ रहा है 33 सेंटीमीटर, उसके बाद हमने ले लिया S1, फिर अगला भाग आ जाएगा S2, फिर अगला भाग आ जाएगा 30 और ये टोटल है 90। तो यहां से हम S1 प्लस S2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 33 और 30 को अगर हम ऐड करेंगे तो 63 और 63 को माइनस कर देंगे 90 में से तो ये आ जाएगा 27। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई S1 और S2 को फाइंड आउट करने के लिए। अभी दोनों का टोटल हमारे पास आ गया। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे कि बिंदु ए और बिंदु बी, ए और बी बिंदुओं के ऊपर अलग अलग हम वाई के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे जिसके अंदर एस भी आता हो। तो वाई और एस में जो रिलेशन होती है वो फॉर्मूला हम यहां पर लिखेंगे। देखिए बिंदु ए पर, तो बिंदु ए पर हम लिख सकते हैं बिंदु ए पर y1 है तो y1 स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास है y और s के बीच में। इसी तरीके से हम बिंदु b पर भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं इसी तरीके से। तो बिंदु b के जो कोऑर्डिनेट है वो 2 के अंदर है, बिंदु b पर ये y2 हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस टू स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए वाई वन और वाई टू की वैल्यू हमारे पास है, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग वाई वन इक्वल टू हमारे पास 33 है और वाई टू इक्वल टू 30 है, यानी एक्स अक्ष से जो ऊंचाई है वही वाई कोऑर्डिनेट है। चित्र के अंदर देखिए आप मूल बिंदु से लेकर के एन तक एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स वन हो गया, ये एक्स वन है और फिर ये y1 है, y1 इक्वल टू 33 हो गया और यहां पर ये y2 है, y2 है और यहां पर ये x2 है, अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम कोऑर्डिनेट के। इसलिए तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी इन दोनों वैल्यू को पुट करने के बाद तो वो आ जाएगी अब 33 का वर्ग इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस वन स्क्वायर और 30 का वर्ग इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस टू का स्क्वायर। इन दोनों को हम माइनस करके घटा देते हैं ताकि सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख रहे हैं घटाने पर, जब हम इनको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा एस वन स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एस वन माइनस एस टू स्क्वायर इक्वल टू 33 का वर्ग माइनस 30 का वर्ग। एस वन माइनस एस टू, एस वन स्क्वायर माइनस एस टू स्क्वायर को हम फैक्टर करते हैं अगर इसके तो वो होगा एस वन प्लस एस टू और S1 माइनस S2, इसी तरीके से इधर फैक्टर अगर होगा तो ये हो जाएगा 33 प्लस 30
और 33 माइनस 30। इक्वेशन नंबर वन पर हमारे पास S1 प्लस S2 की वैल्यू है 27, तो वो यहाँ पर हम पुट आउट कर देंगे। तो S1 प्लस S2, देखिए समीकरण एक से ये तो हो जाएगा 27 और ये हो गया S1 माइनस S2 इक्वल टू, ये हो गया यहाँ पर टोटल 63 और इंटू 3। तो यहाँ से S1 माइनस S2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे 63 इंटू 3 अपॉन 27, यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी S1 माइनस S2 इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन हमने ले ली दो। अब समीकरण नंबर एक हमारे पास ऊपर है S1 प्लस S2 बराबर 27 और दूसरी समीकरण आ गई S1 माइनस S2 इक्वल टू 7। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम S1 और S2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम S1 और S2 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से समीकरण एक और दो से। तो समीकरण नंबर एक हमारे पास है S1 प्लस S2 बराबर 27 और S1 माइनस S2 बराबर 7। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से देखिए S2 कैंसिल आउट होके 2S1 हो जाएगा, 2S1 बराबर हो जाएगा 34 और 34 में से 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17, यानी S1 इक्वल टू आ गया 17 और S1 की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो S2 की वैल्यू आ जाएगी 10। तो S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम वापस ऊपर प्रश्न पे चलते हैं, जो हमको क्या चीज़ हमको इसमें से फाइंड आउट करनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न का आधा भाग है कि सिद्ध करो कि कैटेनरी का शीर्ष कुल रस्सी को 4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। तो कैटेनरी का शीर्ष यहाँ पर सी बिंदु है, तो ये शीर्ष कुल रस्सी को यानी बाई तरफ का भाग और दाई तरफ का भाग 4:5 में होना चाहिए। तो शीर्ष के बाई तरफ है एम बी सी रस्सी और शीर्ष के दाई तरफ का भाग है एन ए सी रस्सी। तो इनका हमको यहाँ पर मान रखना है। अब S1 और S2 का देखिए शीर्ष C के द्वारा रस्सी के दो भाग, जो रस्सी के दो भाग होंगे वो हो जाएंगे एक तो M B C तथा N A C, ये रस्सी के दो भाग हो गए। अब इन्हीं का ही अनुपात हमको पता करना है प्रश्न के अंदर। तो देखिए अब M B C अनुपात N A C, इन अनुपातों को हम क्या लिखेंगे, M B C को हम लिखेंगे M B प्लस S2 अनुपात एन ए प्लस एस वन। ये सबके समझ में आ गया होगा, क्लियर है यहां तक। देखिए एम बी प्लस एस टू कहाँ है मैं बता दूं, यहां ऊपर डायग्राम में देखिए ये एम बी है, ये ऊपर एम बी है और यहां से हम यहां लौटे तो ये एस टू हो गया, तो ये कैटेनरी का आधा भाग हो गया। इधर से ये एन ए आ जाएगा ऊपर और एन ए से हम वापस यहां लौटे सी तक, तो ये कैटेनरी का दायां भाग हो गया। तो ये सी बिंदु के द्वारा दो अलग अलग भाग हो गए जो हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हमारे पास वैल्यू पहले से ही है, एस वन और एस टू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। एस वन और एस टू की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, देखिए एम बी हमको मालूम है 30 है और एस टू की वैल्यू 10 आई है अनुपात, एन ए 33 है जो लटका हुआ भाग है और S1 की वैल्यू 17 आई है हमारे पास, तो इन ऐड किया तो ये हो गया 40:50 यानी कि 4:5। तो ये हमारे पास एक वो प्रूफमेंट आ गया जो हमको सिद्ध करना था कि कैटेनरी का शीर्ष कुल रस्सी को 4:5 में विभाजित करता है। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं, तो अतः कैटेनरी कुल रस्सी को
चार अनुपात पांच के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमारे प्रश्न का आधा भाग हमने प्रूफ कर लिया है। अब हमको निकालनी है दूरियां। प्रश्न का दूसरा भाग है कि जो डोरी जो शीर्ष है उनके बीच की दूरियां ज्ञात करिए। तो देखिए ये ए और बी के बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है। ऊर्ध्वाधर दूरी हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ऊर्ध्वाधर दूरी के लिए हमको केवल ए और बी बिंदुओं के बीच में खड़ी डिस्टेंस कितनी है वो निकालनी है। तो वो हम यहाँ पर अब निकालते हैं। देखिए बिंदुओं ए और बी के मध्य दूरियां ये हमको निकालनी है यहां पर। अब ये दूरी दो तरीके से निकलेगी, वो दूरियां हम यहां पर निकाल लेते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, हमें मालूम है कि एक बिंदु बी है और एक बिंदु थोड़ा सा उससे ऊपर स्तर पर ए है। इनके बीच की एक तो जो क्षैतिज दूरी होगी वो तो कहलाएगी ये वाली, ये हो गई इनके बीच की क्षैतिज दूरी। ये दोनों के बीच की क्षैतिज दूरी हो गई यानी एक्स वन प्लस एक्स टू, ये तो क्षैतिज दूरी हो गई। अब ऊर्ध्वाधर दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो ये इनके लटके हुए भाग है यहां से डोरी नीचे जा रही है, ऐसे यहां से भी डोरी नीचे जा रही है, इस तरीके से कैटेनरी हमारा बना हुआ है। तो ये लटका हुआ भाग है यहां पर, ये लटका हुआ भाग है। तो ये वाला भाग हमको यहां पर 33 दिया हुआ है और ये भाग 30 है। तो दोनों की जो ऊंचाइयों का अंतर है वो इन्हीं को माइनस करने से आएगा, तो ये ऊर्ध्वाधर दूरी कहलाएगी। और क्षैतिज दूरी निकालने के लिए हमको x1 और x2 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, जिसको हम दो जोड़ेंगे तो वो दोनों के बीच की क्षैतिज दूरी आएगी। ये सीधी दूरी नहीं निकालनी है, ये सीधी दूरी तो कर्ण के अनुदिश दूरी हो जाएगी, जबकि हमको लंबवत दूरियां उनके बीच में पता करनी है। तो देखिए ए और बी के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी बिल्कुल आसान है, ये तो वैसे ही निकल जाएगा 33 माइनस 30 और इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरीके से हमने जो कैटेनरी में दो खूंटियां हैं ए और बी उनके बीच में ऊर्ध्वाधर दूरी तो हमने निकाल ली। अब हम यहां पर निकालना चाहते हैं ए और बी के मध्य क्षैतिज दूरी। तो ए और बी के मध्य क्षैतिज दूरी अब हमको निकालनी है। तो क्षैतिज दूरी का मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश ए और बी के बीच में जो दूरी आए वो निकालनी है, और वो हमको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है कि एक्स वन प्लस एक्स टू होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स वन और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स टू। तो एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू हमको निकालनी है। इसके लिए बिंदु ए और बिंदु बी पर हमको एक्स वन के लिए कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और उससे पहले हमको जो यहाँ पर कैटेनरी का पैरामीटर है प्राचल सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। तो सी के लिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ऊपर हम लिख चुके हैं वो फॉर्मूला, वाई टू स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस टू स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने ऊपर लिया है। इसके अंदर वाई टू की जगह पर हम 30 लिख देते हैं, 30 का वर्ग है बराबर सी स्क्वायर। एच टू की वैल्यू हमने यहाँ पर 10 निकाली हुई है, ऊपर निकाल चुके हैं हम, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू 800 हो जाएगा और सी की वैल्यू यहाँ पर 20 अंडर रूट 2 आ जाएगी। तो ये प्राचल का मान आ गया हमारे पास सी का। अभी सी के मान को जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हम इसको काम में ले सकते हैं। अब हम बिंदु ए पर आते हैं। देखिए बिंदु ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है। तो यहां से x1 के लिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं c cos हाइपर इनवर्स y1 अपॉन c। ये फॉर्मूला है कैटेनरी का कार्शियन फॉर्म में इक्वेशन, y बराबर c cos हाइपर x अपॉन c।
इससे हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया है, पहले यहाँ से सी का डिवाइडेशन किया तो वाई अपॉन सी हो गया, कॉस आई पर इधर जाके इनवर्स में आ जाएगा, सी से इनटू हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आएगी। अब बिंदु ए पर है तो वहाँ कोऑर्डिनेट 1 1 में है एक्स 1 वाई 1, इसलिए यहाँ पर एक्स 1 वाई 1 हो गया। तो देखिए अब तो सी की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 20√2 कॉस हाई पर इनवर्स वाई 1 की जगह पर 33 है और सी का मान 20√2 है। तो ये हमारे पास बिंदु ए पर एक्स 1 आ गया। अब बिंदु बी पर आ जाते हैं हम, तो बिंदु बी पर वहां पर कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई 2 है इसलिए एक्स 2 की वैल्यू निकलेगी, फॉर्मूला इसी तरह का बन जाएगा कॉस हाई पर इनवर्स वाई 2 अपॉन सी। अब वाई 2 की वैल्यू हमारे पास इस जगह पर 30 थी तो वो लिख देंगे हम, सी का मान यहां लिख दिया हमने 20√2 कॉस हाई पर इनवर्स वाई 2 का मान 30/20√2। तो ये हमारे पास एक्स 2 की वैल्यू आ गई। अब हमको 36 दूरी निकालनी है तो वो x1 प्लस x2 हो जाएगी, अतः 36 दूरी बराबर x1 प्लस x2, यहां पर मान रखा हमने 20√2 cos हाई पर इनवर्स 33/20√2 प्लस 20√2 कॉस हाई पर इनवर्स 30/20√2। तो ये हमारे पास दोनों के बीच में 36 दूरी आ गई। इसको अभी हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व अगर इसको हमें करना है तो ये जो √2 है इस √2 से अंश और हर में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो नीचे से √ हट जाएगा और 20√2 कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से जो ये सी की वैल्यू दोनों में कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं जो कुछ इस तरह से हो जाएगी, 20√2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास रह गया कॉस हाइपर इनवर्स कॉस हाइपर इनवर्स 33/20√2 और इसमें गुणा कर दिया हमने √2 का अंश और हर में बटे में से √ के निशान को हटाने के लिए और ये हो गया कॉस हाइपर इनवर्स, 0 कैंसिल कर दी हमने 3/2√2 और इसमें भी गुणा कर दिया √2 का अंश और हर में। अब फाइनली हमारे पास जो 36 दूरी आ जाएगी वो हो गई 20√2 कॉस हाइपर इनवर्स 33√2 बटे में ये √2 और √2 इंटू के 2 हो गए और 20 × 2 = 40 हो जाएगा फिर ये, प्लस कॉस हाइपर इनवर्स 3√2 ऊपर 3√2 हो गया और बटे में हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास 36 दूरी आ गई। इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे, सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं, केवल हमको एन मोमेंट वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैटेनरी के अंदर बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स में फॉर्मूले हैं इसलिए सवाल करते करते ही हमको वो फॉर्मूले याद होंगे। एक बार इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं प्रश्न को जल्दी जल्दी से कि हमको इसमें करना क्या था। देखिए एक 90 सेंटीमीटर की एक रस्सी थी जिसको दो खूंटियों के ऊपर लटकाया हुआ है और लटके हुए भागों की लंबाई 30 और 33 सेंटीमीटर हमको दे रखी थी। हमको प्रूफ करना था कि जो कैटेनरी है उसका जो शीर्ष है सी बिंदु वो कैटेनरी को दो भागों में विभाजित करता है और वो जो भाग है वो 4:5 में होने चाहिए थे और इन खूंटियों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करा कि जो सी बिंदु है वहां से चाप की लंबाइयां ए तक और बी तक अलग अलग मान ली S1 और S2, कोऑर्डिनेट मान लिए हमने X1 Y1 और X2 Y2, तो जो ये लटके हुए भाग हैं वो Y1 और Y2 हो गए। तो अब यहाँ पर रस्सी की कुल लंबाई 90 सेंटीमीटर थी तो रस्सी के 4 भाग हमको यहाँ दिख रहे हैं, 30 दिख रहा है, S2 है, S1 है और 33 है, चारों भागों को मिला दिया तो 90 हो गया और यहाँ से 33 और 30 का पक्षांतरण करके घटा दिया तो S1 प्लस S2 की वैल्यू 27 आ गई।
अब बिंदु ए पर और बी पर दोनों पर हमने ये फॉर्मूला लिखा, बिंदु ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 के रूप में है x1 y1 और बिंदु बी का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है, तो y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर के लिए फॉर्मूले हो गए। इन दोनों को आपस में माइनस किया तो c कैंसिल आउट हो जाएगा और y1 y2 की वैल्यू रख के और आगे स्कोर सॉल्व किया हमने तो s1 और s2 की वैल्यू हमारे पास यहां पर आ गई थी। अब शीर्ष द्वारा रस्सी को दो भागों में बांटा गया है, तो दो भाग जो है वो एम बी सी और एन ए सी हो रहे थे चित्र के अनुसार, हमने उनकी वैल्यू रख दी। एम बी सी को हमने एम बी प्लस एस टू लिख दिया, एन ए सी को एन ए प्लस एस टू लिख दिया, वैल्यू पुट करी 4:5 आ गया। तो ये पहला भाग प्रूफ हो गया। दूसरा था हमारे पास कि उनके बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है, खूंटियों के बीच की दूरी। खूंटियां कहां पर है इसके अंदर, ये खूंटियां हैं दो, ये दो खूंटियां हैं ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालनी है। तो दूरी एक तो क्षैतिज निकल सकती है एक्स अक्ष के अनुदिश, और एक इनकी ऊंचाइयों में कितना अंतर है वो ऊर्ध्वाधर दूरी। तो ऊंचाइयों में अंतर तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि जो लटके हुए भाग हैं वो 33 और 30 है, तो 33 में से 30 को माइनस किया तो ऊर्ध्वाधर दूरी आ गई। क्षैतिज दूरी निकालने के लिए हमको जो इनके कोऑर्डिनेट हैं दोनों के, ए का कोऑर्डिनेट हमको पता है एक्स वन और वाई वन था, इसका एक्स टू और वाई टू है, तो इसकी जो डिस्टेंस है एक्स अक्ष के अनुदिश वो एक्स वन और एक्स टू है। तो हमको जो क्षैतिज दूरी है वो एक्स वन और एक्स टू की निकालनी है। तो x1 और x2 का मान निकालने के लिए हमको पहले c के मान की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए c का मान निकालने के लिए हमने ऊपर से ही फॉर्मूला ले लिया बिंदु b पर जो हमने लिखा था y2 स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करी c का मान आ गया। बिंदु a पर जो ये x और y के बीच में कार्शियन इक्वेशन होती है कार्शियन फॉर्म में, उससे हमने x की वैल्यू निकाली पक्षांतरण करके, तो ये x1 हो गया, c की वैल्यू हम निकाल चुके वो रख दिया, y1 हमारे पास पहले से ही है। इसी तरीके से बिंदु b पर x2 के लिए फॉर्मूला बना दिया और उसको सॉल्व किया और दोनों को जोड़ दिया, तो इस तरीके से हमारे पास क्षैतिज दूरी आ जाएगी उन दोनों खूंटियों के बीच की दूरी। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी इस प्रश्न में कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर उसको शेयर कीजिए ताकि औरों को भी उसका बेनिफिट मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, इस वीडियो में इतना ही।